हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री जीनियस फाइल बाय सुप्रियो घोष। आज हम अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, दैट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है और कैसे पोलैरिटी डेवलप होता है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक में। इसमें हम ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, पहला था आई इफेक्ट, दूसरा था एम इफेक्ट। अब हम तीसरा इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करें, है क्या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। डेवलप टेम्पोररी पोलैरिटी, ये टेम्पोररी पोलैरिटी डेवलप करता है विद इन ए मल्टीपल बॉन्डेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। इसीलिए इसको कह रहे हैं टेम्पोररी। अगर उस अटैकिंग रिएजेंट को हटा लें तो पोलर मॉलिक्यूल अगेन चेंज हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। अब ये किस तरीके के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पाया जाएगा? वंस द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आइदर कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल contain this type of group or substrate molecule contain this type of group, इसमें E effect पाया जाएगा। इस तरीके के substrate molecule में temporary polarity develop होता है in the presence of attacking reagent, known as electromeric effect। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज नॉन पोलर। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है पर इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ड्यूरिंग द रिएक्शन सपोज द अटैकिंग रिएजेंट इज योर H plus is your attacking reagent. Now the question is, attacking reagent attack over here or here? In presence of this H plus, this pi bonded electrons are shifted one of the bonded atoms, chahe idhar jayega ya idhar aayega, one of the bonded atoms. Depends on the direction of approaching attacking reagent. अगर ये attacking reagent इधर से approach करेगा, pi bonded electron इस पर जाएगा, इससे negative develop होगा और इसमें positive, ये change हो जाएगा polar substrate molecule। सबसे पहले ये polar substrate molecule में change होगा, यहाँ पर रहेगा attacking reagent H plus। ये चेंज हो गया पोलर मॉलिक्यूल में। इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहेंगे? ई इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट है। रीजन है, अगर हम इस हाइड्रोजन H प्लस को यहां से हटा दें, जो हम H प्लस को यहां से हटाएंगे, ये अगेन चेंज हो जाएगा इसमें। मतलब अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे, H प्लस को अगर हम यहां से हटाएंगे तो पोलर मॉलिक्यूल चेंज टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसीलिए इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कह रहे हैं? टेम्पोररी इफेक्ट, टाइप ऑफ ई इफेक्ट। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज प्लस ई इफेक्ट, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे प्लस ई इफेक्ट? सपोज मेरे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया ना, दिस वन, ये हमने एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले लिया। अब ये नॉन पोलर है,
ये नॉन पोलर हो गया, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। नाउ अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है एच प्लस, एच प्लस इज योर अटैकिंग रिएजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट, सपोज पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन दिस कार्बन एंड अटैकिंग रिएजेंट इज ऑल्सो अटैक ओवर हियर, इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। सो व्हेन अटैकिंग रिएजेंट अटैक ओवर दैट एटम ऑन विच पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बाई ई इफेक्ट, यहाँ पर ई इफेक्ट लग रहा है इसीलिए ट्रांसफर हो रहा है, इसको कौन सा ई इफेक्ट कहेंगे, पॉजिटिव ई इफेक्ट। तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव ई। अब होगा क्या इससे, यहाँ पर CH2 रहेगा, इस CH2 से नेगेटिव आएगा पर इससे जुड़ गया H+, ये तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कह रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव इफेक्ट, इसको कौन सा इफेक्ट कह रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होगा, जैसे हम एक यहाँ पर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले ली, दिस वन इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एक पाई, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, ये नॉन पोलर है। पर सपोज एक अटैकिंग रिएजेंट आया रिएक्शन मीडियम में, दिस वन इज अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट पोलैरिटी डेवलप विद इन दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके तरफ ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक। जहाँ यहाँ पे आया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये अटैकिंग रिएजेंट इस कार्बन पर अटैक कर गया, इफेक्ट को कह देंगे नेगेटिव ई इफेक्ट। सो नेगेटिव ई इफेक्ट है क्या, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट अटैक ओवर दैट एटम टू विच पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, जिससे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस पे अटैक किया, इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट, नेगेटिव। इसमें क्या हुआ था, अटैकिंग रिएजेंट उस पे अटैक किया था जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसको कौन सा इफेक्ट कह दिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के ऊपर आकर अटैक कर गया, यहाँ पर तो नेगेटिव रह गया, इस पर आके अटैक कर गया अटैकिंग रिएजेंट, ये तो न्यूट्रल हो गया पर ये मेरा एक एनायन बन गया, तो यहाँ पे एनायन बन जाए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ई इफेक्ट, ये दोनों टेम्पररी इफेक्ट है, ये सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ही होगा। अब अगर अटैकिंग रिएजेंट उसी कार्बन पे अटैक कर रहा है जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव ही, उस पे अटैक कर रहा है जिससे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव ही। एग्जांपल ले रहे हैं आई एंड ई इफेक्ट कैसे काम करता है। अब जैसे हमारे पास एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आया H+, ये हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट पोलैरिटी डेवलप करेगा, पाई बॉन्ड किधर जाएगा,
पाई बॉन्ड इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन सिमिलर कार्बन है, बोथ आर sp2 कार्बन, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल जुड़ा हुआ है। अगर पाई बॉन्ड इधर गया तो H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, तो मेरा फर्स्ट केस ये दिखेगा CH2CH2H यहाँ पॉजिटिव। दूसरा केस क्या हो सकता है, और दूसरा केस अगर पाई बॉन्ड इस पे गया तो H यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक कर गया ना, सेकेंड केस ये होगा ना, बोथ आर पॉसिबल, बोथ द केसेस आर पॉसिबल। पर सपोज हमारे पास एक दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, अब हम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देखें, इससे भी मल्टीपल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अगेन अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है H प्लस, ये मेरा कौन सा एजेंट हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट। अब हम सोचें H यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा, किस जगह पे H अटैक करेगा, तो हम देखेंगे H यहां पे तो अटैक कर जाएगा पर यहां पे अटैक नहीं करेगा। रीजन, इसमें दो इफेक्ट एक साथ लगेगा, दिस वन इज एल्काइल ग्रुप प्लस हाई ग्रुप, प्लस हाई ग्रुप करेगा क्या, इट शिफ्टेड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। जब इससे पार्शियल नेगेटिव आ गया, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ही नहीं, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस डायरेक्शन में जाएगा, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हियर। पर इसमें क्या था, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हियर और पाई बॉन्डेड ट्रांसफर हियर, देयरफॉर देयर आर टू केसेस, बोथ आर करेक्ट। इसमें सिर्फ यहीं पे जाएगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पे कौन अटैक कर जाएगा, एच प्लस, तो हमारा जो आयन बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा, सी एच थ्री सी एच सी एच टू एच, यहाँ पे तो एच अटैक कर गया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों केस प्लस ई इफेक्ट का एग्जांपल है, क्योंकि पाई बॉन्ड जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है उसी पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, जिस पे अटैक कर रहा है उसी पे अटैक कर रहा है, पर यहाँ पर दो केस नहीं हो सकता है लाइक दिस, क्योंकि यह रिस्ट्रिक्टेड है, पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी इस कार्बन पे नहीं आ सकता है, वो हमेशा इस कार्बन पर ही जाएगा।